Good morning to one and all my dear students from today onwards i am going to start the seventh chapter changing cultural tradition i am along with the first part of this chapter my dear students today i am going to introduce you with the changing cultural tradition we will see the different sources विच गिव एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चेंजेस आफ्टर दैट वी विल सी द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में जो सांस्कृतिक परम्पराओं में बदलाव आया उसका महत्वपूर्ण केंद्र इटली था और इटली के नगरों का में जो रिवाइवल यानी पुनरुत्थान हुआ उसको समझेंगे एंड वी विल सी द यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म हम यहाँ के विश्वविद्यालय और मानवतावाद के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे माई डियर स्टूडेंट्स इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू फ्रॉम फोर्टीन सेंचुरी देवर ड्रास्टिक चेंजेस ऑकर्ड इन द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ यूरोप ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी सिटीज़ वर डेवलप्ड ड्यू टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ओके यहाँ जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी बेटा उसके कारण यहाँ की बहुत सारी सिटीज़ में शहरों में जो विकास आया दिस सिटीज़ बिकम द सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग एंड मैनी न्यू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी नॉट ओनली चेंजड द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल बट आल्सो चेंज देयर आइडियोलॉजी थिंकिंग एंड स्किल्स बच्चों जो यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुई उसने यहाँ पर काफ़ी बदलाव लेकर आया यहाँ यूरोप की जो सिटीज़ थी वो आर्ट और लर्निंग के सेंटर के तौर पर उभर कर सामने आने लगी यहाँ कई तरह के इनोवेशन नवाचार हुए टेक्नोलॉजिकल बेस्ड नवाचार हुए है ना ये इन्होंने केवल लोगों के जीवन शैली को ही नहीं बदला बल्कि लोगों के विचारों को उनकी वैचारिक शक्तियों को उनकी स्किल को उनके कौशल को भी बदलने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी मॉडर्न हिस्टोरियंस रिफर दिस चेंज एज रेनाइसेंस बच्चों ज्ञानोदय की एक परंपरा की शुरुआत के तौर पर आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा देखा गया एंड इन दिस लेशन वी विल कम टू नो अबाउट इट्स इम्पैक्ट कॉज एंड चेंजेस ऑकर्ड and we also नो दैट we also नो the डिफरेंट स्कॉलर्स who प्लेड एन important रोल इन दिस चेंजेस हम उन सभी अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिन्होंने इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों को लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का, का निर्वहन किया नॉ डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम द फोर्टींथ टू द एंड ऑफ सेवनटींथ सेंचुरी टाउन्स वर ग्रोइंग इन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप फोर्टीन से सेवनटीन सेंचुरी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी अ डस्टिंगड अर्बन कल्चर वॉज डेवलप्ड एक विशेष प्रकार की जो अर्बन कल्चर था नगरी संस्कृति थी वो विकसित हो रही थी टाउन्स पीपल बिगेन टू थिंक ऑफ दैमसल्व एज़ मोर सिविलाइज दैन रूरल पीपल नगर के लोग अब ये सोचने लगे थे कि वे गाँव के लोगों से अधिक सभ्य हैं ठीक है और नगर अगर हम बात करें खासकर तो वो है फ्लोरेंस वेनिस और रोम ठीक ये बेटा बिकेम द सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग ये कला और विद्या के केंद्र बन चुके थे नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिली थी ठीक है आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर पैट्रोनाइज बाय रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों को आश्रय प्रदान करते थे द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एट द सेम टाइम मेड बुक्स एंड प्रिंट्स अवेलेबल टू मैनी पीपल इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन डिस्टेंट टाउन्स एंड कंट्री और कंट्रीज इस समय प्रिंटिंग मुद्रण का आविष्कार हो जाने से अनेक लोगों को चाहे वो कितनी दूर दराज के नगरों में रह रहे हों देशों में रह रहे हों उन्हें छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थे ये चेंजेस आ रहे थे अ सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड इन यूरोप इससे क्या हुआ कि लोगों में इतिहास की समझ विकसित होने लगी थी एंड पीपल्स कॉन्ट्रस्टेड देयर मॉडर्न वर्ल्ड विद एनसियंट वन ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन अब लोग अपने आधुनिक विश्व की मॉडर्न वर्ल्ड की तुलना अब एंसियंट ग्रीक और रोमन से करने लगे प्राचीन दुनिया से करने लगे थे और ये माना जाने लगा था रिलीजन केम टू बी सीन एज समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज़ फॉर हिमसेल्फ कि प्रत्येक व्यक्ति अब माने जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म चुन सकता है दी चर्च अर्थ बिलीव्स ओवरटर्न बाय साइंटिस्ट इस समय तक जो चर्च को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था यह विश्वास के साथ माना जाता था उन विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया था चूंकि चूंकि अब वे सौर मंडल को समझने लगे थे हु बिगेन टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम दैट्स वाई द बिलीव व चर्च इन अर्थ सैंट्रिक ओवरटर्न ओके दिस विलीव ओवर टर्न एंड न्यू जोग्राफिकल नॉलेज ओवर द यूरोपिक सेंट्रिक यू व्यू दैट द मेडिटेरेनियन सी वाज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और जो फिर नवीन भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति हुई लोगों को उन्होंने उन उस विचार को भी उलट दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है जो भूमध्य सागर है वो विश्व का केंद्र है ऐसा माना जाता था और इसके पीछे इस विचार के पीछे ये मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है यही सोच करके लोगों ने ऐसी बिलिप्स बना रखी थी लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट ने और ये जो न्यू जोग्रफिकल नॉलेज से उन्होंने इन उन सभी मान्यताओं को पीछे छोड़ दिया नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी हैव गेट information रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ चेंजेस जब अगर मैं बात करूं कि वो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सोर्सेस हो सकते हैं तो उनमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स दी देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन प्रिंटेड बुक्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पर्स इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स टेक्सटाइल्स एट्सट्रा एंड दिज आर प्रिजर्व इन आरकाइव्स आर्ट गैलरीज एंड म्यूज़ियम इन यूरोप एंड अमेरिका बच्चों ऐसे कई दस्तावेज मुद्रित पुस्तकें चित्र मूर्तियाँ भवनों और वस्त्रों से प्राप्त होने वाली कई यूरोपीय इतिहास की जानकारी है जो आज यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों में कला चित्रशालाओं में और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हुई है तो ये सोर्सेस हैं जिन्होंने हमें बतलाने की कोशिश किया कि वाकई चेंजेस किस तरह से आए थे वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द रायसेंस सो दर्ड रेंस इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ये फ्रेंच वर्ड है बेटा विच मीन्स रिबर्थ ठीक है उसका मतलब क्या होता है रिबर्थ सो रिनायसेंस रिफर्ड एज द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन अकॉर्ड इन योरफ इटली during 14th to 17th century in his sphere of art literature architecture and created awareness among the people as well as while we are see, uh, listening about a swiss scholar jacob burkhardt okay jacob burkhardt described these changes in his book the civilization of the renaissance in italy but jacob burkhardt उन्होंने एक बुक लिखी थी द सिविलाइजेशन ऑफ द इन इटली उन्होंने इसमें रेनासा के बारे में लिखा था उन्नीसवीं शताब्दी के जो इतिहासकारों ने रेनेंसा, रेनेंसा को शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बतलाता है ओके इट डिस्क्राइब अबाउट द कल्चरल चेंजेस ऑफ दैट पीरियड ओके और बेटर जैसे मैंने आपको बताया जैकब बर्कार्ड ये स्विट्ज़रलैंड के ब्रेसले यूनिवर्सिटी के इतिहासकार थे जैकब बर्खार्ड और उन्होंने इस बात पर बहुत बल दिया था कि किस तरह से कल्चरल चेंजेस आए हैं उसको समझाने की कोशिश किया था जैकब बर्खार्ड वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वन रॉन्के के विद्यार्थी थे ठीक है उनके जो जर्मन टीचर थे या कह लीजिए कि वो स्टूडेंट थे किसके जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रॉन्के के राके ने उन्हें यह बताया था कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें पर बर्क ने अपने गुरु रांके के सीमित लक्ष्यों से वो संतुष्ट नहीं थे वो उनके विचारों से सहमत नहीं थे उनके अनुसार जो इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं होता इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है उनका कहना था कि केवल राजनीति को ही हिस्ट्री हिस्ट्री में शामिल कर लेना पर्याप्त नहीं होगा बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उसका भी समावेश किया जाना अति आवश्यक होगा बर्क हार्ट वॉज डिससेटिस्फाइड विद लिमिटेड गोल्स ओके वो उनकी क्योंकि लिमिटेड था उन्होंने कहा कि केवल राजनीति को शामिल किया जाना चाहिए लेकिन वो उसे सहमत नहीं थे इन 1860 हंड्रेड सिक्सटी ही रोट अ बुक कॉल्ड द सिविलाइजेशन ऑफ रेनासा इन इटली इन विच ही कॉल्ड हिज रीडर्स अटेंशन टू लिटरेचर आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग टू टेल द स्टोरी ऑफ हाउ अ न्यू ह्यूमनिस्ट कल्चर हैड इन इटालियन टाउन्स फ्रॉम सेंचुरी है अठारह सौ साठ में बर्क हार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रिंडसा इन इटली नाम की एक पुस्तक लिखी उसकी रचना की, और इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान लिटरेचर की ओर साहित्य की ओर ठीक वास्तुकला की ओर और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और बताया कि फोर्टीन सेवेंटीन सेंचुरी तक इटली के नगरों में किस प्रकार से ह्यूमनिस्ट कल्चर मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी And he also wrote about the culture. The culture and the characterized by a new belief. This culture was characterized by a new belief that man, as an individual, was capable of making his own decision and developing his skill. उन्होंने यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी। उन्होंने बतलाया कि ये जो संस्कृति है, एक नए विश्वास पर आधारित है। कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने की क्षमता रखे अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है ये इस विश्वास के आधार पर उन्होंने एक नई संस्कृति के बारे में समझाने की कोशिश की ऐसा व्यक्ति आधुनिक था जबकि मध्यकालीन मानव जो था वो चर्च पर नियंत्रण या चर्च का नियंत्रण उस पर हुआ करता था तो उसने लोगों की स्किल में जो डेवलपमेंट आया उसको समझाने की कोशिश किया कहा कि अब का जो व्यक्ति है वो अपने पर भरोसा करता है लेकिन मध्यकालीन जो मानव था वो चर्च के अंदर या चर्च का चर्च का उस पर पूर्ण नियंत्रण होता था वो खुद डिसीज़न नहीं ले सकता था तो इस तरह से आ, बर्क हार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनसा इन इटली में अपने विचारों की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया नाउ आई एम गोइंग टू explain here about the revival of italian cities my dear students after the fall of the western roman empire many of the towns that had been political and cultural center of italy fell into ruin पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के पॉलिटिकल और कल्चरल राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया देयर वाज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट वहाँ कोई एकीकृत एक एक सरकार नहीं थी एंड द पोप इन रोम हु आज सोज इन इन हिज ऑन स्टेट रोम का पोप जो अपने राज्य में बेशक सार्वभम था वाज नॉट अ स्ट्रांग पॉलिटिकल फिगर वो पूरे यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था वाइल वेस्टर्न यूरोप वाज बीइंग रिशेप्ड बाय फेडरल बॉन्ड्स एंड यूनिफाइड अंडर द लैटिन चर्च एंड ईस्टर्न यूरोप अंडर द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इस्लाम वॉज क्रिएटिंग अ कॉमन सिविलाइजेशन फॉर द वेस्ट एंड इटली वॉज वीक एंड फ्रेगमेंटेड बच्चों एक अरसे से पश्चिम यूरोप के जो क्षेत्र थे उसमें जो फेडरलिज्म था फेडरल सिस्टम था फेडरल बॉन्ड्स थे सामंती संबंधों के कारण एक नया रूप ले रहे थे और जो लातिनी चर्च थे लैटिन चर्च जो थे उनके नेतृत्व में उनका एकीकरण होता जा रहा था वो यूनिफाई हो रहे थे यूनिफाइड हो रहे थे ठीक है वेस्टर्न यूरोप में जो फेडरल बॉन्ड्स थे वो एक नया रूप ले रहे थे और जो लैटिन चर्च में के नेतृत्व में उनका एक अलग एकीकरण हो रहा था और इसी समय हम अगर ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पर बाइजेंटाइन साम्राज्य में भी शासन बदल रहा था हम यह दोनों तरफ को पढ़ दोनों चीज़ों को देख रहे हैं दोनों पार्ट को एक वेस्टर्न यूरोप और एक ईस्टर्न यूरोप ठीक है तो ईस्टर्न यूरोप किसके पास था बाइजेंटाइन एम्पायर के पास और वहाँ पर उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे जबकि वेस्टर्न यूरोप में वहाँ फेडरल बॉन्ड्स एक नया रूप ले रहा था और वहाँ लैटिन चर्च के नेतृत्व में सब लोग इकट्ठे हो रहे थे यूनिफाई हो रहे थे हाँ उधर कुछ अगर और हम बात करें तो इट वाज दिस वेरी डेवलपमेंट्स दैट हेल्प इन रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर तो उधर कुछ पश्चिम और इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था और इटली एक कमज़ोर देश था जो अनेक टुकड़ों में बट चुका था ठीक और परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने क्या किया कि जो इटालियन कल्चर था उसके रिवाइवल में उसके पुनरुत्थान में काफ़ी सहायता प्रदान की थी अगर हम बात करें तो ये आपके सामने इटली इतल, का मैप है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ एक कमजोर देश था विद द एक्सपेंसन ऑफ ट्रेड बिटवीन द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड इस्लामिक कंट्रीज द पोर्ट्स ऑफ द इटालियन कोस्ट रिव्यूड बच्चों बाइजेंटाइन एम्पायर और जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी उनके बीच अब ट्रेड बढ़ने लगा था तो इससे क्या हुआ कि जो इटली के जो पोर्ट्स थे तटवर्ती बंदरगाह थे वो उसमें वो फिर से रिव्यूड हो गए मतलब पुनर्जीवित होना शुरू हो गया जब ट्रेड होने लगता है तो जो भी शहर से ट्रेड होना स्टार्ट होता है वहाँ पर वहाँ उसका पुनरुत्थान होना शुरू हो जाता है पुनर्जीवित होने लगता है from the 12th century as the mongols opened up the trade with china via silk route and as trade with western european countries also increased barvi shatabdi mein jab mongolon ne chin ke sath resham marg se vyapar aarambh kiya तो इसके कारण जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उसके साथ ट्रेड को बढ़ावा मिला उसके साथ व्यापार को बढ़ावा मिला इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल अब जब ये ट्रेड स्टार्ट हुआ तो जो इटली के प्रमुख नगर थे अगर हम इटली के जो इम्पोर्टेंट शहरों की बात करें तो उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया बढ़ गया भूमिका उन्होंने उनकी बढ़ गई थी अब वे अपने आप को शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में नहीं देखते थे बल्कि एक स्वतंत्र नगर राज्यों का समूह मानते थे ठीक है जो हमने बताने की कोशिश किया कि दे नो लॉन्गर साज ए पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर बट एज ए इंडिपेंडेंट सिटी इज स्टेट्स टू ऑफ दिस फ्लोरेंस एंड वैनिस बच्चों इन नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस जो थे वर रिपब्लिक ये गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे एंड मैनी अदर्स वर कोर्ट सिटीज रूल्ड बाय प्रिंसेस जिनका शासन जो दरबारी नगर होते थे उनका शासन राजकुमार चलाया करते थे प्रिंसेस एंड वन ऑफ़ दी मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ वॉज वैनिस हमने देखा कि किस तरह से फ्लोरेंस और वैनिस का इम्पोर्टेंस था क्योंकि वो एक रिपब्लिकन रिपब्लिक्स थे ठीक है और इसमें सर्वाधिक जो अगर हम बात करें वाइब्रेंट सिटी की जीवंत शहर की तो वो पहला था वैनिस एंड एनादर वॉज जिनेवा और दूसरा था जिनेवा देवर डिफरेंट फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप ये यूरोप के अन्य जो क्षेत्र थे उनसे इस दृष्टि में अलग थे किस दृष्टि में दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप द क्लैरजी वर नॉट पॉलिटिकली डॉमिनेट डोमिनेट हीयर एंड नॉर वर दे आर पावरफुल फेडअर लॉर्ड्स ओके यहाँ पर धर्माधिकारी लोग या सामंत वर्ग राजनैतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द सिटी जबकि इस नगर पर अगर शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोग थे तो वो थे धनी व्यापारी रिच मर्चेंट और बैंकर्स महाजन इस नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी जब गवर्निंग गवर्न करने वाले लोग भी उसी सिटी के होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो सिटीजनशिप है आइडिया ऑफ सिटीजनशिप दैट स्ट्राइक रूट, ये जो होता है मजबूती से इसी भावना को और पनपाता है एंड इवन विन वैन दिस टाउंस वर रूल्ड बाय मिलिट्री डेस्पोर्ट्स The pride felt by the टाउन्स पीपल इन बींग सिटीजन्स डिड नॉट वी और यहाँ जब यहाँ तक कि जब नगरों में इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथों में रहा तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे तो ये यहाँ का जो मैनेजमेंट था ये अगर हम बात करें वेनिस की स्पेशली जिनेवा की तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जहाँ पर मर्चेंट्स रिच मर्चेंट्स और बैंकर्स इस सिटी को गवर्न करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते थे जो ये आपके सामने मैप अभी मैंने दिखलाया था इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं आपके बुक के पेज नंबर 153 में भी एक मैप दे रखा है उसको भी आप ज़रूर समझेंगे या फ्लोरेंस मिलान रोम किंगडम ऑफ नेपल्स है ना ये आपको ध्यान से देखना है जिनेवा वैनिस ये इम्पॉर्टेंट है बेटे ये आपको अपनी मैप वर्क में कंप्लीट करने हैं ये आपकी बुक में पेज नंबर 155 में एक चार्ट बना हुआ है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स के साथ दिया हुआ है 1300 ह्यूमनिज्म टॉट एट पेडुआ यूनिवर्सिटी इन इटली आप देखेंगे कि फ्लोरेंस में यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश थर्टीन हंड्रेड फोर्टी नाइन में किया गया था जो जैफरी चौसर था उनकी कैंटबरी टेल्स थर्टीन हंड्रेड में पब्लिश हुई ठीक 1454 हंड्रेड फिफ्टी फोर में गुटेनबर्ग ने मोएबल टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया था फोर्टीन हंड्रेड एटी फोर मैथमेटिशियन कैलकुलेट लैटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग द सन पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की थी 1492 कोलंबस नाइन्टी रिच अमेरिका 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचते हैं इन 1495 हंड्रेड नाइन्टी फाइव लियोनार्डो दावी पैंड द लास्ट सपर लियोनार्डो दावेंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया 1495 में एंड इन 1512 हंड्रेड ट्वेल्व माइकल एंजलो पैंड दिस्टाइन चैपल सिलिंग और माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए थे तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ईयर्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस कल्चरल चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे आपको याद भी करना है और अपने नोटबुक uh, में इसको जरूर मैंशन करना है नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर अबाउट एंड आई एम गोइंग टू गेवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म माई डियर स्टूडेंट्स दी अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप हैड बिन सैटअप इन इटालियन टाउन्स यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए वो हुए इटली के शहरों में यूरोप में सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ इटली के शहरों में स्थापित हुए द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पैडुआ एंड बोलन बोलानिया हैड बिन सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज फ्रॉम द इलेवेंथ सेंचुरी ग्यारहवीं शताब्दी से पेदुआ और बोलोनिया यूनिवर्सिटी जो थी बेटा वो विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र रहे दिज वर्स ऑफ लीगल स्टडीज ओके कॉमर्स बींग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी और इसके अलावा यहाँ पर जो वाणिज्य व्यापार से संबंधित जो था यह मुख्य क्रियाकलाप इन शहरों में था ठीक देयर वॉज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लॉयर एंड नोटरीज अब चूंकि यहाँ पर ट्रेड होता था व्यापार वाणिज्य संबंधी था तो यहाँ पर वकीलों की नोटरियों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती थी क्योंकि वे नियमों को लिखते थे है ना दे रोट रूल्स दे इंटरप्रिट द रूल्स दे एंड रिटर्न एग्रीमेंट्स विदाउट विच ट्रेड ऑन अ लार्ज स्केल वॉज नॉट पॉसिबल वे उन सभी नियमों को लिखते थे उनकी व्याख्या करते थे समझौते तैयार करते थे इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार संभव नहीं था दिस वाज नॉट पॉसिबल द ट्रेड ऑन लार्ज स्केल वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ दिस लॉयर्स एंड नोटरीज एंड लॉ वाज देयर फॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बट देयर वाज नाउ अ शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस चूँ यही कारण था कि यहाँ कानून का जो अध्ययन था एक प्रिय विषय बन गया था लेकिन लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा ठीक है लॉ वॉज देयर फोर पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी बट देयर वॉज नाउ शिफ्ट इन फेसिस इट वॉज स्टडी इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अर्लियर रोमन कल्चर ये पुराने यानी रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ाया जाने पढ़ा जाने लगा था फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को पेट्रार्क फ्रांसिस्को पेट्रार्क रिप्रेजेंटेड दिस चेंजेस ओके फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते थे पेट्रार्क एंटिक्यूटी वॉज अ डिस्टिंकटिव सिविलाइजेशन विच कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द एक्चुअल वर्ड ऑफ द एंसेड ग्रीक्स एंड रोमन्स जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने के लिए जो पूरा काल था एक विशिष्ट सभ्यता थी डिस्टिंगटिव सिविलाइजेशन था ठीक है और जिसे प्राचीन यूनानियों और जो रोमन के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता था उनका कहना था कि जो विशिष्ट सभ्यता है वो हम प्राचीन यूनानियों और रोमनों के जो शब्द है वास्तविक शब्द उसके माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं ही देयर फो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लोज रीडिंग ऑफ एंशियंट ऑथर्स अतवा उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस प्राचीन इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए इस तरह से हम पेडुआ यूनिवर्सिटी और बोलंगना बोलोनिया यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए हैं बच्चों आज के इस सेशन में हम इतना ही समझते हैं हम नेक्स्ट अपनी क्लास जब भी होगी उस दिन आपको इसके आगे का एक्सप्लेन किया जाएगा थैंक यू वेरी मच